सो है गाइस, स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल एम एन आर जे पिक्चर्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ इस टाइप से ग्रीन एंड ब्लू टोन इफेक्ट फोटो रीडिंग सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइटर मैप को यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके में। गाइस, यहाँ पर आप लोगों को दो ही स्टेप को फॉलो करने जो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो इस दो स्टेप को फॉलो करके आप लोग भी सेम टू सेम एडिटिंग कर पाओगे। ठीक है, मतलब जैसा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम एडिटिंग आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को पूरा देखना है, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे एडिटिंग से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात के बिना आज का इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को करने क्या है, आप लोगों को अपना फ़ोन में सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं पर अभी लाइटरूम ऐप को ओपन कर चुका हूँ, तो आप लोग भी लाइटरूम ऐप को ओपन कर लीजिएगा। और लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ से आप लोग को ऑल फ्रेंड्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, जो कि रहा ऑल फ्रेंड्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, इधर पर आप लोगों को ऐड फ्रेंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसी ऐड फोटो का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करके आप लोग को अपना फोटो कैसे सिलेक्ट करना है, मतलब जिस भी फोटो को आप लोग एडिटिंग करना चाहते हो उसी फोटो को यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं सभी ये वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा आप लोग भी अपना फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फोटो को सिलेक्ट करने के बाद गाइस, यहाँ से आप लोगों को इस ऐड का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करना है, देन आप लोगों को फोटो लाइटरूम के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग भी अपना फोटो को लाइटरूम पर ऐड कर लीजिएगा, और लाइटरूम पर ऐड करने के बाद फोटो, यहाँ से आप लोगों को अपना फोटो को ओपन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे अभी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर अभी ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पर एडिटिंग के लिए भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से चले जाएं लाइट्स का ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि हम फोटो के ऊपर सबसे पहले लाइट्स का एडजस्टमेंट करेंगे। तो गाइस, इधर पर लाइट्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, इधर पर आप लोगों को शैडो मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसके शैडो को आप लोगों को हल्का सा माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर शैडो को आप लोगों को -15 तक रख लेना है अभी। और यहाँ पर इसका ब्लैक्स को भी आप लोगों को थोड़ा सा माइनस करना है, तो यहाँ पर ब्लैक्स को माइनस करके आप लोगों को 32 के आसपास रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे अभी आप लोगों को चले जाने कलर्स का ऑप्शन में, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, इधर पर आप लोगों को वाइब्रेंस मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका वाइब्रेंस को आप लोगों को इधर पर इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेंस को इंक्रीज करके आप लोगों को +68 तक रख लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाना मिक्स टूल में। तो गाइस, ये रहा पर मिक्स टूल का ऑप्शन, तो इसी मिक्स टूल का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इधर से चले जाना ऑरेंज कलर में। और ऑरेंज कलर में जाने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोगों को इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अब इसका सैचुरेशन का भी आप लोगों को इंक्रीज करके +27 तक रख लेना है। और उसके बाद अभी आप लोगों को चले जाना इधर से येलो कलर में। और येलो कलर में जाने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोगों को ह्यू को फुली इंक्रीज करके +100 कर लेना है। और यहाँ पर इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को फुली इंक्रीज करके +100 कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाना ग्रीन कलर में। और ग्रीन कलर में जाने के बाद गाइस, यहाँ पर बस आप लोगों को सैचुरेशन को इंक्रीज करके +100 कर लेना है। ठीक है, देन गाइस, यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाना ब्लू कलर में। और ब्लू कलर में जाने के बाद, यहाँ पर आप लोगों को ह्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, +24 के आसपास रख लेना है। ठीक है, और अब इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो अब इसका सैचुरेशन को यहाँ पर आप लोगों को +82 के आसपास रख लेना है। देन गाइस, ऐसे सब लोगों को और कुछ नहीं करने, इधर सब लोगों को डन कर लेने। डन करने के बाद गाइस, यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को इतना ही करने, और इतना करने के बाद आप लोगों को अपने फोटो को सेव कर लेने। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले सेव करने के लिए ऊपर शेयर का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोगों को सेव टू कॉपी डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेने। ठीक है, और सेव करने के बाद गाइस, अभी आप लोगों को अपना फोटो को दोबारा लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेने, मतलब अभी जो वाला फोटो को आप लोग सेव किए हो उसी फोटो को आप लोगों का भी लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेने। तो चलिए फ्रेंड्स, वो भी आप लोगों को दिखा देते हो कैसे आप लोग करने। तो यहाँ से अभी आप लोग इसे ओके कर देना है, देन यहाँ से आप लोग को बैक आना है। ठीक है, और बैक आने के बाद गाइस, अभी आप लोगों को फिर से ऐड फोटो का ऑप्शन पर क्लिक करके अभी आप लोगों को सेव किया हुआ फोटो को ऐसे सिलेक्ट करने। तो ये रहा हमारा फोटो, तो हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा आप लोग भी सिलेक्ट कीजिएगा। देन ऐसे आप लोगों को इस ऐड का ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से इस फोटो को एक बार ऐड कर लेना। ठीक है, और ऐड करने के बाद गाइस, अभी आप लोगों को फर्स्ट में मिल जाएगा जो फोटो आप लोग सेव किए हो वो फर्स्ट में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला फोटो को अभी आप लोगों को ऐसे ओपन कर लेना। ठीक है, और ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड स्टेप में हम सबसे पहले चले जाएंगे कलर्स का ऑप्शन में। ठीक है, तो यार कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेंस को फिर से थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ठीक है, तो फिर वाइब्रेंस को अभी आप लोगों को इंक्रीज करके +22 तक रख लेना है। ठीक है,
देन गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को फिर से मिक्स टूल पर क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाना ऑरेंज कलर में, और ऑरेंज कलर में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेशन का भी इंक्रीज करने थोड़ा सा, तो फिर इसका सैचुरेशन का आप लोगों को +8 तक रख लेना है, और आप इसका लुमिनस की तरफ आप लोगों को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पर लुमिनस आप लोग अपने हिसाब से इंक्रीज कर लीजिएगा, मतलब जितना भी आप लोग अपना स्किन को व्हाइट चाहते हो यानी गोरा चाहते हो आप लोग अपना स्किन को, उतना यहाँ पर आप लोग लुमिनस को इंक्रीज करके इसका रख सकते हो। तो हम यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 33 के आसपास रख लेंगे, ठीक है। और इतना काम हो जाने के बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चला जाना येलो कलर में, और येलो कलर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ह्यू का भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो आप इसका ह्यू का आप लोगों को इंक्रीज करके +50 तक रख लेना है, ठीक है। और आप इसका सैचुरेशन का आप लोगों को फुली इंक्रीज करके +100 कर लें, और इतना काम हो जाने के बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को चला जाना ब्लू कलर में, और ब्लू कलर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ह्यू को फिर से थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो इसका ह्यू का भी आप लोगों को इंक्रीज करके +11 के आसपास रख लेना है, ठीक है। और अब इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को इंक्रीज करना है, तो अब इसका सैचुरेशन का भी आप लोगों को इंक्रीज करके +65 के आसपास रख लेना है। देन गाइस यहाँ से आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इधर से आप लोगों को सिंपल से डन कर लेने, और डन करने के बाद गाइस यहाँ से अभी आप लोगों को करने क्या है, यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाने कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में, ठीक है, जो कि ये रहा ऊपर कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को ऊपर चारों डॉट यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, तो इनमें से आप लोगों को इस थर्ड डॉट को यहाँ से सिलेक्ट करने, ठीक है। सिलेक्ट करते यहाँ पर आप लोग हाईलाइट स्टोन पर आ जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को हाईलाइट स्टोन में इस तरह से चलाना है, और हाईलाइट स्टोन में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इस एरो का ऑप्शन पर इधर से क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को ह्यू मिल जाएगा, तो आप इसका ह्यू को इधर पर आप लोगों को इंक्रीज करके 243 तक रख लेने, ठीक है। और अब इसका सैचुरेशन को भी आप लोगों को इंक्रीज करने, तो अब इसका सैचुरेशन का आप लोगों को +50 के आसपास रख लेने। देन गाइस यहाँ से आप लोगों को और कुछ नहीं करने, इधर से आप लोगों को सिंपल से डन कर लेने। डन करने के बाद गाइस यहाँ से भी आप लोगों को चले जाने इफेस्ट का ऑप्शन में, ठीक है, जो कि ये रहा इफेस्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो इसका क्लैरिटी को आप लोगों को +10 तक रख लेने, ठीक है। और अब इसका डीएच को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करने, तो इसका डीएच को आप लोगों को +21 के आसपास रख लेने, और अब इसका बिगनेट को इधर आप लोगों को माइनस करने, ठीक है। तो यहाँ पर बिगनेट को आप लोगों को -32 के आसपास रख लेने, और अब इसका मिड पॉइंट को भी आप लोगों को कम कर लेने, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट को आप लोगों को रखना है 19 के आसपास, और अब इसका फेदर को इधर पर आप लोगों को बढ़ा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फेदर को बढ़ा के आप लोगों को 93 के आसपास रख लेने, और इतना काम हो जाने के बाद गाइस अभी आप लोगों को ऐसे चले जाने डिटेल्स का ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि हम फोटो का भी थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। तो गाइस इधर पे डिटेल्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करने, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करने, ताकि हमारा फोटो के ऊपर थोड़ा शाइन भी आ सके। तो यहाँ पर इसका शार्पनिंग का आप लोगों को 35 के आसपास रख लेना इंक्रीज करके, और यहाँ पर इसका मास्किंग को भी आप लोगों को इंक्रीज करने, ठीक है। तो इसे इंक्रीज करके आप लोग 35 के आसपास रख लीजिएगा, और यहाँ पर इसका नॉइस रिडक्शन का भी आप लोगों को इंक्रीज करने, ताकि आप लोगों को फोटो जो है वो यहाँ पर फटे नहीं, स्मूथ रहे, ठीक है। तो इसे इंक्रीज करके आप लोगों को 52 के आसपास रख लेने, और यहाँ पर इसका कलर नॉइस रिडक्शन को भी आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेने, तो इसे यहाँ पर आप लोगों को 45 के आसपास रख लेने। देन गाइस यहाँ पर आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, इधर पर आप लोगों को फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर फोटो को देख सकते हो बिफोर आफ्टर, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड काफ़ी ऑसम लग रहे हैं, और आप लोगों को मैं बिल्कुल थंबनेल जैसे एडिटिंग करके ही दिखाया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप लोग भी अपने फोटो को एडिटिंग कर लीजिएगा, और फोटो को एडिटिंग करने के बाद आप लोगों को सेव कैसे करना है वो भी यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पर आप लोगों को सेव करने के लिए शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग सेव टू कॉपी डिवाइस का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करने, फिर आप लोगों का फोटो आप लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।